चलेगा जी, स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वाला अपना जो पार्ट है, ये पार्ट थ्री है, ठीक है। तो इसके पहले उन्होंने पढ़ा था नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट था, मतलब पार्ट टू। तो पार्ट टू में आप लोगों ने अच्छे से प्रॉपरली एक चीज समझी होगी कि जो भी हमारे फाइलम्स थे, ठीक है, तो वो प्रॉपरली अलग अलग तरीके के थे, ठीक है। तो वो सब कुछ अच्छे से हम लोग ने देखा था, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा नया नया जो भी थोड़ा आगे का फाइलम्स है उसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ना इसके ये वाले में हम लोग कुछ डिविजन भी पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मैं ट्राई करूंगी ये वाले पार्ट से पूरा कवर हो जाए, ठीक है। चलो तो आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा और ये चैप्टर फोर है और इसका पार्ट थ्री और मैं हूं प्रशांत, ठीक है। ये क्लास इलेवेंथ का नया वाला सिलेबस का जो भी है अपना टॉपिक है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वाले स्लाइड में बढ़ते हैं। अभी इसके पहले हमने मोलस्का तक पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ते हैं एकिनोडर्मेटा, फाइलम एकिनोडर्मेटा के बारे में, ठीक है। चलो तो ये इसके वर्ड को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एकिनोडर्मेटा को, वर्ड एकिनस का मतलब होता है स्पाइंस और डर्मा मीन्स क्या होता है, स्किन होता है। स्पाइंस मीन्स कैसा, ऐसा चमकीला सा, ऐसा लाइन लाइन वाला, ऐसा कुछ स्पाइंस, ऐसा इसको हम लोग वर्ड को रेफर करते हैं, तो वही है एकिनस, ठीक है। चलो तो इसका एग्जांपल क्या है, एस्टेरियास यानी कि सी स्टार, स्टार फिश आपने देखा होगा, ठीक है, वही होता है। क्यूकुमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर जो होता है वो होता है। एकिनस यानी कि सी अर्चिन, ये सब नाम है कि सारे सारे ऑर्गेनिजम्स के। ब्रिटल स्टार यानी कि ऑफियोक्थ्रिक्स, ऐसे ही सबके नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, सॉलिटरी, सेडेंट्री और फ्री लिविंग एंड ग्रिगेरियस, बैंथिक, ऐसा ये होते हैं, ठीक है, थीके? ऐसा कुछ अलग अलग नाम है, ठीक है, ये बैंथिक है, ग्रिगेरियस है, ऐसे ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एनिमल्स विद अ पेंटामेरस सिमेट्रिक, ऐसा इनका होता है। पेंटा मीन्स फाइव, मेरस मीन्स स्ट्रक्चर। अभी देख लो, समझ लो ये अपने पास अगर समझ लो स्टार फिश है तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, ऐसे इसके पेंटामेरस स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेंटा मीन्स फाइव, मेरस मीन्स स्ट्रक्चर होता है, तो पेंटामेरस स्ट्रक्चर नॉर्मली शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी मे बी स्फेरिकल, स्फेरिकल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, एलोंगेटेड और स्टार शेप्ड। नॉर्मली इनके अंदर की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्टार शेप्ड होती है। नेक्स्ट क्या है, जो इनका एंडोस्केलेटन है यानी कि अंदर की तरफ वाला स्केलेटन बॉडी का ढांचा, इज मेड अप ऑफ कैल्सेरस ऑसिकल्स, इनके अंदर बॉडी के अंदर एक प्रेजेंट चीज होती है ऑसिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिकल्स, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। जो लोग फिश खाते होंगे व्हाइट इन स्ट्रक्चर होता है उसको पता होगा शायद, ठीक है। तो ये ऑसिकल्स होता है, कैल्सेरस, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कैल्सेरियस या फिर कैल्सेरस ऐसा बोलते हैं, जिससे इनके अंदर का एंडोस्केलेटन बना होता है। स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, अब ऑब्वियसली एकिनोडर्मेटा मतलब डर्मा मीन्स क्या होता है, स्किन होता है, और एकिनो मीन्स क्या होता है, स्पाइंस होता है, तो मतलब जो स्पाइंस होगा स्किन में ही प्रेजेंट रहेगा, बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। Hence the name Echinodermata. चलो ठीक है, ये सबको मालूम है। नेक्स्ट क्या है, द बॉडी इज विदाउट डेफिनेट बॉडी डिविजन, ये जो बॉडी होती है विदाउट डेफिनेट बॉडी डिविजन क्या होती है, क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कैसे भी डायनेमिकली ऐसा मतलब कैसा भी होता है, मतलब फाइव टाइप्स में कैसा भी दिखता है, ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इंस्टेड देर आर टू साइड्स एज ओरल एंड एबोरल, एबोरल मीन्स बैक साइड वाला और ओरल मीन्स सामने वाला, ठीक है। तो ये दो टाइप के इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और ज्यादा ऐसा कुछ पार्ट्स होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक होता है ओरल और एक होता है एबोरल, ठीक है, तो इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके एकिनोडर्मेटा के। तो ये कम्प्लीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। ये फाइव टाइप्स इसकी बॉडी होती है, कोई भी आप लोग इसका एस्टेरियास एक एग्जाम्पल याद रखिए सी स्टार का, ठीक है, बस हो जाएगा, और कुछ नहीं आपको इसमें लिखना है, बस रेडियल सिमेट्री आप लोग लिख देनी है, स्फेरिकल होती है, इलांगेटेड होते हैं, फाइव टाइप्स के पेंटामेरस इनका स्ट्रक्चर होता है, एकिनो मीन्स होता है स्पाइंस और डर्मा मीन्स होता है स्किन, बस हो गया, इतना आप लोग लिख दीजिए। एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि समुद्र में प्रेजेंट रहते तो एक्वेटिक रहेंगे ना, इसलिए बस इतना आपको लिखना है, और कोई भी इनके अंदर का डेफिनेट बॉडी डिविजन होता नहीं है, ठीक है, बस आपको इतना ही बताना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में, पढ़ेंगे हम लोग फाइलम हेमीकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। चलो तो अभी फाइलम हेमीकॉर्डेटा में समझते हैं, तो वर्ड हेमी, इस वर्ड हेमी का मीनिंग क्या होता है, हाफ, हाफ होता है हेमी मतलब, और कॉर्डेटा मतलब क्या होता है, रॉड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ बोन से जैसा अपना बैकबोन होता है वैसा कुछ, ऐसा बैकबोन या फिर रॉड होता है, ठीक है। चलो तो वही हम लोग पढ़ते हैं, एग्जांपल क्या है, बेलेनोग्लोसस, प्रॉपर एग्जांपल, या फिर सैकोलोग्लोसस या फिर सैकोग्लोसस भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो सैकोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस ये एक मस्त सा एग्जांपल है। अर्लियर दिस फाइलम वाज कंसीडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का ये सब फाइलम पहले कंसीडर किया जाता था, बाद में इनकी प्रजातियां यानी कि जो भी इनके बहुत सारे एनिमल्स है बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए हम लोग इसको ना एक बड़ा सा फाइलम कंसीडर करने लगे, बिकॉज अ बकल डाइवर्टिकुलम
वाज कंसिडर्ड एज अ नोटोकॉर्ड, मतलब जो बकल एक डाइवर्टिकुलम होता है एक बॉडी के अंदर, छोटा सा एक बकल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो अपने टीथ वाले पूरे कैविटी में जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक डाइवर्टिकुलम, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक मतलब ऐसा रॉड लाइक ऐसा शेप होता है, इसको भी हम लोग नोटोकॉर्ड समझने लगे। एक्चुअली ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, हमारा बैकबोन की जो रीढ़ की हड्डियां होती है ऐसा रॉड लाइक शेप ऐसा स्ट्रेट, इसको हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इरेक्ट पोस्चर में है, खड़े होते हैं, जिसे खड़े हो पाते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो हम लोग एकदम ऐसा मतलब ऑक्टोपस जैसा या फिर कोई भी ऐसा जो भी नीचे जमीन में मिट्टी में से सोया रहता है बिना हड्डी वाला इंसान, वैसा कुछ हो जाता है नोटोकॉर्ड अगर नहीं तो हम खड़े नहीं हो पाते। वैसे ही बकल डाइवर्टिकुलम को भी हम लोग नोटोकॉर्ड समझने लगे, तब से इसको हम लोग फाइलम हेमिकोर्डा के अंदर रख दिया, ठीक है, इसके पहले ये सब फाइलम था, किसका, फाइलम कॉर्डेटा का, ठीक है, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। अभी देखो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ये दो टाइप के फाइलम होते हैं, तो ये जो है ये नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक सेपरेट फाइलम बन गया। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स यूजली लिविंग एट द बॉटम ऑफ अ सी इन अ बरोज। देखो यानी कि मिट्टी के पास, समुद्र के अंदर जो मिट्टियां होती है उसके पास एकदम, और बॉटम ऑफ सी एकदम अंदर की तरफ पानी में होता है ये मोस्टली जो ये होते हैं। दीज आर फ्री लिविंग, फ्रीली लिव करते हैं, बट एनिमल्स लाइक रैबडो प्लोरिया ये जो होते हैं आर सेडेंट्री, ये सेडेंट्री होते हैं यानी कि जो नॉर्मली ऐसा फ्रीली तो लिव करते हैं पर ऐसा बंधे होते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं और नॉर्मली मिट्टी के शेप में, मिट्टी यानी कि जहाँ लैंड होता है पानी के अंदर वहां पर चलते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट वर्मी फॉर्म, वर्मी मीन्स कैसा, जो मतलब जो वर्म्स होते हैं ऐसा कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वर्मी फॉर्म ऐसे फॉर्म में होता है, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट इनमें नहीं होता है, जैसे कि इसके पहले अर्थवर्म में था वैसा कुछ नहीं होता है। एंड डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, प्रोबोसिस कोलार एंड ट्रंक, तीन पार्ट्स में इनकी पूरी बॉडी डिवाइड होती है। देखो तो जो प्रोबायोसिस, जो प्रोबोसिस होता है इसके बारे में आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी बायोलॉजी के आपने देखोगे, ये जो प्रोबोसिस होता है इसको हम लोग माउथ वाला पार्ट यानी कि हेड वाला पार्ट भी हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं। जो कोलार रीजन होता है ये मिडल रीजन, नेक वाला रीजन होता है, और जो इसके बाद हेपेटिक रीजन है, फिर जेनाइटल रीजन है, देखो ये पूरा जेनाइटल रीजन होता है इसका, फिर देखो ऐसा ब्रैंकियल रीजन होता है, ये देखो ऐसा यहाँ पे ब्रैंकियल रीजन ऐसा ओपनिंग है, ब्रैंकियल रीजन होता है, फिर ऐसा हेपेटिक रीजन है यहाँ पे, और लास्ट वाला नीचे का रीजन है एनस, ठीक है, तो ये होता है। और ये फिर ट्रंक भी हम लोग इस पूरे पार्ट्स को ऐसा हम लोग इस पूरे पार्ट को ट्रंक रेफर करते हैं। नेक्स्ट बकल कैविटी जो इसके अंदर होती है गिव राइज टू रॉड लाइक बकल डाइवर्टिकुलम, ये याद रखना आपको, डाइवर्टिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि बकल डाइवर्टिकुलम होता है, विच इज कंसिडर्ड एज नोटोकॉर्ड बाय सम साइंटिस्ट। इसी बकल डाइवर्टिकुलम को भी नोटोकॉर्ड हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको नोटोकॉर्ड, और इसी बकल डाइवर्टिकुलम की वजह से हम लोग इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिए हैं जो कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है यानी कि जिसके पूरा जो इंटेस्टाइन है माउथ से लेके पूरा एनस तक, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इज कंप्लीट स्ट्रेट एंड यू शेप्ड ऐसा होता है, यानी कि ये देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपरली यहाँ से ट्रेवल करते करते आ जाओ और ये पूरा यहाँ से ऐसा शेप्ड ऐसा कर्व्ड होके, और ये देखो यहाँ तक जो भी यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और ये कहाँ पे होता है, नॉर्मली यू शेप्ड होता है, देखो ऐसा आपको यू शेप्ड दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन जो होता है ऑकर्स बाय न्यूमेरस गिल्स, गिल्स क्या करते हैं, एक्वेटिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, ये बॉडी के ऑर्गन होते हैं, अरेंज्ड इन टू लॉन्जिट्यूडिनल रोज, दो दो लॉन्जिट्यूडनल रोज में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा रो वाइज कॉलम ऐसा ऐसा रो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल रोज में, और प्रेजेंट इन दी फेरेंजियल रीजन, बॉडी के अंदर इनके फेरेंजियल एक रीजन होता है, आप लोगों ने 10th में फेरेंजियल गिल्स स्लिट ऐसा कुछ पढ़ा होगा, फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फिश होती है मछलियां होती है उनके नेक रीजन में फेरेंजियल गिल्स स्लिट प्रेजेंट होता है, तो वही फेरेंजियल रीजन में इनके यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो गिल्स होते हैं ये ओपन बाय गिल्स स्लिट, जो स्लिट्स होता है यानी कवर स्लिप जैसी होती है, इसके थ्रू ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। चलो अभी क्या है, ये जो हेमिकॉर्डेटा था ये कैसे होते, नॉर्मली एक बड़ा सा फाइलम है, पहले ये सब फाइलम था, और इसके अंदर जो डाइवर्टिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बकल डाइवर्टिकुलम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसकी इसी को हम लोग नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, बट नाउ ये प्लेस्ड हो गया नॉन कॉर्डेटा के अंदर आने लग गया, और ठीक है, और ये जो होती है बॉटम ऑफ सी यानी कि समुद्र के एकदम अंदर रहते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर ये बोरोज होते हैं यानी कि अंदर रहते हैं, ठीक है, और ये जो मोस्टली जो फ्री लिविंग होते हैं, और रेबडोप्लूरा ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सेडेंटरी होता है, इसको आप लोगों को प्रॉपरली याद रखना है, ठीक है, और ये
इनके अंदर जो रॉड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बकर डाइवर्टिकुलम होता है, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये फाइलम नॉन कॉर्डेटा के अंदर आता है। ये क्या आता है? हेमी कॉर्डेटा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने से पहले देखो, अभी हमारा जो नेक्स्ट फाइलम होगा लास्ट वाला, ये 10th नंबर का फाइलम था, ठीक है, जिसके बाद इसके बाद का लास्ट वाला फाइलम रहेगा 11th का। 11th फाइलम किसके अंदर आएगा? उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कॉर्डेटा। उसको पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। चलो हम लोग पहले अपना चार्ट देख लेते हैं। ये फिलहाल हमारा ये चार्ट है प्रॉपर सा, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया है, जिसमें क्लासिफिकेशन करना है। तो फाइलम होगा, फाइलम कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे टोटल 11 टाइप की फाइलम है, जिसमें से ये लास्ट वाला 11th का जो फाइलम है कॉर्डेटा होता है। कॉर्डेटा के अंदर बहुत सारे यहाँ पे देखो सब फाइलम दिया हुआ है, ये इनको हम लोग सब फाइलम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? सब फाइलम है, ठीक है। ये जो सब फाइलम होता है, पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, फिर सेफेलोकॉर्डेटा और फिर वर्टिब्रेटा होता है, ठीक है। अभी इसमें से हम लोग आगे देखना है, ये जो वर्टिब्रेटा होता है आगे चल के नेथोस्टोमेटा और एग्नेथोस्टोमेटा में डिवाइड होता है। एग्नेथोस्टोमेटा ऐसा हम लोग तुम्हारे बुक में तो दिया नहीं है, फिर भी मैंने बना दिया यहाँ पे, साइक्लोस्टोमेटा में आगे डिवाइड होता है। और जो नेथोस्टोमेटा होता है ये सुपर क्लास होती है, ठीक है। ये जो सुपर क्लास होती है, और ये सुपर क्लास कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक होती है पीसेस की, एक होती है टेट्रापोडा की। जो पीसेस होती है दो टाइप की होते हैं, कॉन्ट्रिक्थाइस और ऑस्टिक थाइस होती है। बट जो टेट्रापोडा होते हैं, ये एक एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एप्स है और मैमेलिया है। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं, हमने अभी इनके बारे में स्टडी की है, अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा तीन टाइप के थे, यूरोकॉर्डेटा है और सेफेलोकॉर्डेटा है और वर्टिब्रेटा है। ये इसके तीन सब फाइलम होते हैं, जिसमें से अभी हम लोग को ये तीनों पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल ये अभी हम लोग कॉर्डेटा के बारे में देखना है। तो कॉर्डेटा में हम लोग तीन पार्ट्स ही पढ़ेंगे, तीन सब फाइलम्स पढ़ेंगे। पहला क्या है? यूरोकॉर्डेटा, फिर आता है सेफेलोकॉर्डेटा, फिर आता है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा ठीक है, बहुत ईजी है, सेफेलोकॉर्डेटा भी ईजी है थोड़ा सा। वर्टिब्रेटा में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो डिवीजन आते हैं, पहले डिवीजन का नाम है नेथोस्टोमेटा, दूसरे का नाम है अगनेथोस्टोमेटा, ठीक है। बाद में फिर से नेथोस्टोमेटा क्या होगा? फिर से डिवाइड होगा किसमें? सुपर क्लासेस में, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलो वर्टिब्रेटा अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फिलहाल कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा 11th नंबर का फाइलम है, ठीक है। वर्टिब्रेटा जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। इन दोनों को समझने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये एक्चुअली जो कॉर्डेटा होता है और ये जो, चलो गाइस फिर अभी हम लोग देखते हैं आगे, ये नॉन कॉर्डेटा होता है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये नॉन कॉर्डेटा, अगर कॉर्डेटा समझ गए तो फाइलम पूरा कॉर्डेटा हम लोग को समझ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये नॉन कॉर्डेटा क्या होता है और कॉर्डेटा क्या होता है? 10th में प्रॉपरली पढ़ा था, जो कॉर्डेटा होते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एक नोटोकॉर्ड होती है जिसको हम लोग बैक बोन जैसा की हड्डी होती है इसको बोलते हैं, और इनके अंदर जो होता है ये नोटोकॉर्ड क्या होती है? अब्सेंट होती है। और इनके अंदर क्या होती है? कॉर्डेट के अंदर प्रेजेंट होती है, बस इतना ही फर्क होता है और कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। जो कॉर्डेटा होती है इनके अंदर फेरेंजियल गिल सिस्लेट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और नॉन कॉर्डेटा के अंदर फेरेंजियल गिल सिस्लेट क्या होती है? अब्सेंट होती है। देखो यहाँ पे फेरेंजियल गिल सिस्लेट क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है? अब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें यहाँ पे कुछ भी है नहीं, अब्सेंट है। नेक्स्ट क्या है? देखो इनका जो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखो यहाँ पे ऐसा मतलब जो डाइजेस्टिव ट्यूब के फॉर्म में होता है, बट इनके अंदर ऐसा कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे दिखा के भी रखा है, ये जो होता है ये प्रॉपर एक नोटोकॉर्ड होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी जिसकी वजह से ये इरेक्टेड है, इसको हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं। बट इसमें ऐसा कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं है, जस्ट ये पाइप लाइक ट्यूब है, ठीक है। इसको हम लोग वेसल्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, पल्सेटिंग डॉर्सल ब्लड वेसल्स, देखो ठीक है। नेक्स्ट क्या? ये पोस्ट एनल टेल है। ये जो टेल होती है ये नॉर्मली किसमें से प्रेजेंट होती है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होती है, और ये नोटोकॉर्ड्स में क्या होती है, यानी कि नॉन कॉर्डेट वालों में क्या होती है? अब्सेंट होती है। जैसे नोटोकॉर्ड भी इनमें क्या होता है? अब्सेंट होता है। बट ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये कॉर्डेटा वाले एनिमल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो तो ये क्या था? एकदम प्रॉपर सा डेफिनेशन था। अगर किसी ने बोला कि हम कौन से हैं, नॉन कॉर्डेट है कि कॉर्डेट है, तो हम कैसे आते हैं? हम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। क्यों? फिलहाल हम लोग ह्यूमन बींग्स है, पर फिर भी अगर ऐसा किसी ने पूछ लिया तो हम लोग कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बैकबोन यानी कि नोटोकॉर्ड नॉर्मली प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम लोग इरेक्टेड हैं और अच्छे से खड़े हो सकते हैं इसलिए, ठीक है। और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो प्रॉपरली इरेक्टेड नहीं हो सकते, यानी कि इनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। इतना आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो तो अगर आप लोग को इतना समझ गया है, तो लास्ट वाला फाइलम हम लोग अच्छे से प्रॉपरली समझते हैं, जिसका नाम है फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। चलो तो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में अच्छे से देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो तो ये क्या है? फाइलम कॉर्डेटा अच्छे समझते हैं, तो बहुत ईजी सा है। कॉर्डेटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनियस, देखो कार्टिलेजिनियस नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है? यानी कि वही हड्डी होती है जो, और एक कार्टिलेजिनियस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बोन,
इसका मीनिंग क्या होता है, सॉफ्ट बोन होता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है, सॉफ्ट बोन हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि जो जिस बोन को आप लोग हिला सकते हो, जैसे कि आप लोग के ईयर का जो बोन होता है, एग्जांपल के लिए ईयर का जो बोन होता है, इसको भी हम लोग सॉफ्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्टिलेजिनियस नोटोकॉर्ड होता है, एट लीस्ट इन अर्ली एम्ब्रायोनिक लाइफ, अर्ली यानी कि स्टार्टिंग वाली एम्ब्रायोनिक लाइफ में ये सॉफ्ट बोन प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ अ गिल्स स्लिट इन द फेरेंजियल नेक रीजन, देखो यही जो मैंने बताया कि नोटो जो कॉर्डेटा होते हैं इनके अंदर फेरेंजियल गिल्स स्लिट प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंस ऑफ हॉलो डॉर्सल एंड नर्व कॉर्ड रनिंग थ्रू आउट ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड वेंट्रल हर्ट। इसके पहले जो भी हमने देखा, तो यहाँ से पूरा स्टार्ट होकर वेंट्रल हर्ट तक, यहाँ से एनस तक, और यहाँ से माउथ से जो भी पूरा था, पूरा पाइप जैसा था नोटोकॉर्ड्स के थ्रू, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा ट्रेवल होता है। तो इसी वाले पूरे पार्ट्स को हम लोग वेंट्रल हर्ट से लेके और पूरे लेंथ ऑफ बॉडी कवर करता है, कौन, ये नोटोकॉर्ड, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, नेक्स्ट वाला पार्ट है। देखो फाइलम कॉर्डेटा जो होता है ये थ्री सब फाइलम में डिवाइड होता है, हम लोग ने उस चार्ट में देखा भी था। पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा, नेक्स्ट क्या है, सेफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट वाला क्या है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये तीन वाले में, तीन पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा है, और लास्ट क्या है, मतलब सेकंड वाला क्या है, सेफेलोकॉर्डेटा, और अंत वाला लास्ट वाला क्या है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। चलो तो जो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। इन तीनों को मिला के, यानी कि जो यूरोकॉर्डेटा है और सेफेलोकॉर्डेटा है, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग को अच्छे से याद रखना है। चलो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्टिब्रेटा, क्योंकि ये इनके दो भी जो दो दो डिवीजन है, नेथोस्टोमेटा और एग्नेथोस्टोमेटा, इसके दो दो डिवीजन भी आते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये था फाइलम कॉर्डेट्स, इसका पहला वाला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो तो जो सब फाइलम है इसका यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, तो यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्यूनिकेटा, आप लोग को वर्ड अच्छे से याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्यूनिकेटा एग्जाम्पल क्या है, हर्डवेनिया या फिर साल्पा या फिर डॉलियोलम, ऐसा इसका नाम है, बहुत ही फेमस नेम है इसका, हर्डवेनिया, आप लोग को अच्छे से इसका नाम याद रखना है, हर्डवेनिया। ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर आता है, जो कि फाइलम इसका क्या है, फाइलम है इसका कॉर्डेटा, और सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, और किंगडम एनिमिलिया के अंदर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स और एसिडियंस, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये मरीन होते हैं, यानी कि पानी के अंदर जो खारा पानी होता है उसके अंदर होते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट एंड कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक विच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, देखो ट्यूनिसिन से एक टेस्ट वाली बॉडी यानी कि ट्यूनिक बॉडी बनती है, जो ट्यूनिसिन से बनती है, इसीलिए हम लोग इसको ट्यूनिका भी बोलते हैं या फिर ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोटोकॉर्ड जो होता है वही जो बोन होती है, हड्डियां होती है जो इरेक्ट पोस्चर देती है बॉडी को, तो ये नोटोकॉर्ड होता है इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा, लार्वा जो होता है इसके टेल में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, हेंस द नेम यूरोकॉर्डेटा। यूरो मींस क्या होता है, नॉर्मली टेल होती है, ये यूरो मींस टेल होती है यानी कि पूंछ, और जो कॉर्डेटा होता है इसका मतलब नोटोकॉर्ड, यानी कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होता है, वही उसका रिकॉग्निशन का मेन पॉइंट है, इसीलिए जो नोटोकॉर्ड होगा ये टेल में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जब मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, जब इनका बॉडी का डेवलपमेंट होता है, मेटा मींस बहुत सारा ऐसा मल्टीप्लाइड होकर स्ट्रक्चर बनाना, मॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का जनरेशन, यानी कि मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है। फेरिंग्स हैज मेनी गिल्स स्लिट्स, जो फेरिंग्स होती हैं इनको बहुत सारे गिल्स स्लिट होती हैं, किसमें, कॉर्डेटा के अंदर। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, अगर किसी ने पूछ लिया कि यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या कि क्लोज्ड है, तो आपको बताना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, और डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होता है ना कि डायरेक्टली, तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है ये कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है। ये था सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा की तरफ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। चलो इसके बारे में अच्छे से हम लोग अभी देखते हैं सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। चलो तो ये भी कॉर्डेटा के अंदर ही आता है, यानी कि इसमें भी नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही रहेगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमेटा इसका नाम एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। एम्फियोक्सस और लैंसिलेट्स भी हम लोग इसको कभी कभी बोलते हैं, नाम है बस, ऐसा एनिमल्स के नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे। ब्रैंकियोस्टोमेटा यही इस चैप्टर में हार्ड ही, क्योंकि इसके जो एनिमल्स हैं बहुत खतरनाक ऐसा नाम है इनका। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि खारे पानी में ये भी रहते हैं, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंसिलेट, लैंसिलेट भी इनको हम लोग बोलते हैं,
विच आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल दैट इज रेयरली एक्सीड 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। 5 सेंटीमीटर से ये हमेशा लेस होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको लैंसिलेट भी बोलते हैं। जो फिशेस 5 सेंटीमीटर से लेस होती हैं, छोटी होती हैं, उनको हम लोग लैंसिलेट, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लैंसी ऐसा लेट, ये हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंसिलेट्स पार्टली लिव बरीड इन अ सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स। सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स यानी कि जो मिट्टी होती है सॉफ्ट वाली, जहाँ पे नॉर्मली जो खारा पानी होता है उसका सॉफ्ट वाली मिट्टी होती है सेडिमेंट्स, वहां पे बरीड यानी कि ऐसा धस के ऐसा मिट्टी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी। देखो यहाँ पे देख लो अच्छे से, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नोटोकॉर्ड क्या होता है, पूरा का पूरा एक्सटेंडेड है। एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, और लाइफ के अंत तक ही प्रेजेंट होता है। माइटोमो, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ मायोटोम्स मसल्स ब्लॉक आर प्रेजेंट। मायो, मायो मीन्स क्या होता है, मसल होता है, और टॉम्स मीन्स क्या होता है, ऐसा ब्लॉक, ऐसा कुछ बॉक्सेस, ऐसा कुछ बॉक्सेस होता है, तो ये मायोटोम्स बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, मसल ब्लॉक्स बोलते हैं। जो इसके अंदर पोस्टल एनल टेल इज प्रेजेंट, पोस्ट मीन्स क्या होता है लास्ट में, और एनल मीन्स जहां से एक्सिटरी सिस्टम यानी कि एक्सिटरी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहां से रिलीज होता है, तो पोस्टल यानी कि सबसे लास्ट में यहां पे एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर होता है, जैसे इसके पहले वाले में था, और ब्लड इज विदाउट पिगमेंट, यानी कि इनके ब्लड को कोई कलर ही नहीं होता है, ठीक है। तो विदाउट पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। तो विदाउट पिगमेंट वाला इनके अंदर ब्लड नॉर्मली होता है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। और ये एग्जांपल है एम्फीऑक्सस का, ठीक है, तो ये प्रॉपरली आपको सेफेलोकॉर्डेटा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अभी फिर से हम लोग चार्ट में आते हैं। देखो अभी हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा पढ़ लिया, सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ लिया, ये किसके अंदर थे, यूरो जो कॉर्डेटा के अंदर। लास्ट वाला क्या है, वर्टिब्रेटा, इसके अंदर दो टाइप रहेंगे, नेथोस्टोमेटा और एगनेथोस्टोमेटा। जो नेथोस्टोमेटा है, नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या आएंगे, सुपर क्लासेस, जो कि कौन सी फैली रहेगी, पीसेस, और दूसरी कौन सी रहेगी, टेट्रापोडा। चलो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे अच्छे से, सब फाइलम वर्टिब्रेटा पहला क्या है, इन दीज कॉर्डेट्स, ये भी एक टाइप का कॉर्डेट ही है ना, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही वर्टिब्रेटा भी आता है। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम देखो चलो हम लोग यहाँ पे अच्छे समझते हैं। समझ लो हमारा जो बैकबोन है, ऐसा कुछ होता है हमारा बैकबोन, ठीक है, ऐसा हमारा कुछ बैकबोन होता है, ठीक है, समझ लो ऐसा है हमारा कुछ बैकबोन, ठीक है, सपोज अगर ऐसा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो ऐसा कुछ है, यहाँ पे देखो ऐसा बोन्स का ऐसा सेगमेंट बने होते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे सेगमेंट बने होते हैं, देखो लास्ट तक पूरा ऐसा बना होता है, लास्ट में कॉकिक्स होता है, यहाँ पे हम लोग कॉकिक्स बोलते हैं इसको, तो ऐसा ऐसा कॉकिक्स होता है, ठीक है, जो कॉकिक्स है ये लास्ट है, और ये जो भी यहाँ पे ये सेगमेंट बना हुआ है, देखो ये सेगमेंट बना हुआ है, इसको हम लोग हमेशा रेफर करते हैं कि ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। तो यही यही जो कॉलम है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड, ये हो गया हमारा, इसी नोटोकॉर्ड के अंदर ये जो कॉलम प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं L1, ऐसा L2, ऐसा हम लोग इसको शो करते हैं, सेल्यूमिनार ऐसा हम लोग बोलते हैं, इसको लंबार ऐसा भी बोलते हैं, तो L3 ऐसा हो गया, L1, 2, 3 ऐसा हम लोग इसको नॉर्मली रिफर करते हैं, ये रिप्लेस। और कार्टिलेजिनियस यानी कि सॉफ्ट बोन होती है, तो इन दीज कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि सॉफ्ट बोन से रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेटा के अंदर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, डिविजन्स आते हैं वर्टिब्रेटा के, दो डिविजन है, पहला है एग्नेथोस्टोमेटा, जिनके अंदर जॉ, जॉ क्या होता है, जो हमारा ये पूरा माउथ होता है, माउथ का जो भी पूरा कैविटी है, ऐसी जो हमारी पूरी माउथ होती है, यहाँ पे क्या होती है, टीथ होते हैं, ठीक है, ये जो भी पूरा टीथ है, टीथ का जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरी कैविटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा जॉ बोलते हैं, ठीक है, ये जॉ है। तो ये एग्नेथोस्टोमेटा वालों के अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि नेथोस्टोमेटा वालों के अंदर ये जॉ होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये नेथोस्टोमेटा और एग्नेथोस्टोमेटा, आगे आप लोग रीड करोगे कि जो नेथोस्टोमेटा है इसके दो सुपर क्लासेस है, एक है पीसेस और दूसरा है टेट्रापोडा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग अभी समझेंगे, और एग्नेथोस्टोमेटा यहीं पे खत्म हो जाता है, इसको विदाउट जॉ वाला एनिमल्स ये होता है। चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये एग्नेथोस्टोमेटा क्या होता है, ठीक है। चलो बस आप लोग अगर पूरे चैप्टर में, पूरे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस अगर आप लोग पूरा का पूरा जो चार्ट है, चार्ट अगर समझ लेते हो, समझ लो कि आपको पूरा चैप्टर आ गया। अगर आपने चार्ट नहीं समझा तो आप कभी भी चैप्टर समझेगा ही नहीं, चैप्टर बहुत इजी, हम लोग को बस कैरेक्टर्स बताने हैं और कुछ बताना है नहीं, सिंपल सा। मरीन में है तो क्या क्या होगा, फेरिंजियल गिल्स स्लिट प्रेजेंट होंगे जिसे रेस्पिरेशन करता है, ये पहला पॉइंट कॉमन है, ठीक है। अगर समझ लो मरीन वाटर में तो जैसे सॉल्टी वाटर होगा, ठीक है, और अगर कॉर्डेट्स की बात करूँ तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड रहेगा, और क्या है, सबसे इजी वाला यही चैप्टर है, बस हम लोग को कुछ चार्ट पूरा याद रखना है,
नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं हम लोग डिवीजन एग्नोथिस्टोमेटा। अगर किसी ने पूछ लिया कि एग्नोथिस्टोमेटा का किंगडम कौन सा है, तो किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। फाइलम बोला तो वर्टिब्रेटा हो जाएगा। सब फाइलम अगर बोल दिया तो वर्टिब्रेटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर फाइलम बोला तो कॉर्डेटा रहेगा, फाइलम कॉर्डेटा रहेगा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा रहेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलो चलो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग अच्छे से। दिस डिवीजन इंक्लूड्स द लोवेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स विच आर विदाउट जॉज। जॉज इसके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। और बहुत ही प्रिमिटिव और लोवेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स होते हैं। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले वर्टिब्रेट्स, बट इनके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, दे इंक्लूड ओनली वन क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट्स। एक ही क्लास को इंक्लूड करते हैं ये। और दे साइक्लोस्टोमेटा क्लास। साइक्लोस्टोमेटा यानी कि साइक्लो मीन्स क्या होता है, सर्कुलर। स्टोमेटा मीन्स क्या होता है, माउथ। माउथ यानी कि स्टोमा मीन्स क्या होता है, माउथ। और साइक्लोस यानी कि सर्कुलर होता है। ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पेट्रोमीज भी हम लोग इसको कभी कभी बोलते हैं, या फिर लैम्प्रे एक एग्जांपल है मतलब इसका। और माइक्सिन भी यानी कि हैग फिश, ये किसका एक प्रॉपर सा एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोस्टोमेटा आर जॉलेस, यानी कि जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ये जॉलेस होते हैं, ठीक है। एंड ई लाइक यानी कि वही जो जॉलेस, जिनको जॉ नहीं होता है। देखो कुछ ऐसा ई लाइक ऐसा दिख रहा होगा, देखो ये कुछ ई लाइक ऐसा दिख रहा है, इसका पूरा माउथ है ये, ठीक है। ऐसा इसको जॉ वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एनिमल्स स्किन इज अ सॉफ्ट स्मूथ कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड बट नो स्केल्स। देखो फिश आपने देखी होगी तो उसको कैसा ऐसा स्केल्स होती है, ठीक है। ये जो स्केल्स होती है इनको स्केल्स ऐसा कुछ प्रेजेंट होता नहीं है। ऐसा ये जो फिश होती है इसको ऐसा स्केल्स होता है, ये स्केल्स इनको क्या होती है, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट बट पेयर्ड फिन्स ये आर अब्सेंट। जो मीडियन फिन्स होती है यानी कि जो ऐसा मतलब जो मिडल में, देखो यहाँ पे जो फिन्स है ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बट जो पेयर्ड फिन्स है यानी कि एक साथ दो दो ऐसा फिन्स कनेक्टेड होना, ये क्या है, अब्सेंट है। कनेक्टेड नहीं होती है ये, कुछ सारी की सारी सेपरेटेड है बट एक साथ है, ठीक है। तो ये ऐसे अब्सेंट होती है। दे आर एस्टोपैरासाइट्स। एक्टो, एक्टो मीन्स क्या होता है, बाहर। और पैरासाइट मीन्स बाहर, मतलब किसी के बाहर रहते हैं, किसी के अंदर ये होते नहीं है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। अब अगर इनके पास ऐसा टीथ ही नहीं है तो खाने को कैसे ये लोग च्यूइंग करेंगे, तो च्यूइंग नहीं कर सकते। इसीलिए इनके अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विदाउट जॉ वाला। ये नॉर्मली सकिंग करते हैं यानी कि ये लोग सिर्फ चूस सकते हैं किसी भी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रैनियम। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ कार्टिलेज। क्रैनियम यानी कि जो इनके अंदर पूरा जॉ होता है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये नॉर्मली कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। तो कार्टिलेज यानी कि क्या होता है, वही सॉफ्ट बोन से बनता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एग्नेथोस्टोमेटा के बारे में। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे ना पार्ट फोर में नेथोस्टोमेटा प्रॉपरली, क्योंकि उसके अंदर जो नेथोस्टोमेटा है उसके अंदर पीसेस है। फिर उसके अंदर देखो जो नेक्स्ट सुपर क्लास है टेट्रापोडा है, तो वो भी प्रॉपरली अच्छे से समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेथोस्टोमेटा डिवीजन। जो ये डिवीजन है ये आता है हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर, और ये जो फाइलम है ये कॉर्डेटा के अंदर, और किंगडम एनिमेलिया है इसका, ठीक है। आप लोग को ऐसे इसको याद रखना है। चलो तो ये जो हमारा नेक्स्ट वाला रहेगा नेथोस्टोमेटा, ठीक है, जो जी जिसमें साइलेंट होता है नेथोस्टोमेटा, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये था फिलहाल एग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। अच्छे से आपको इतना याद रखना है, तो नेक्स्ट वाली पार्ट हमारी जल्दी अपलोड हो जाएगी। आप लोग चेक करते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इसके आप लोग प्रॉपरली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जहां पे आप लोग पढ़ सकते हो नेथोस्टोमेटा के बारे में, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोग को जरूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में रिकमेंडेशन जरूर दीजिए।